हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें क्लास सिक्स का साइंस और मैथ्स के का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो बेसिकली आज से हम क्लास सिक्स का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपके टर्म वन से पहले जो भी आपके टॉपिक टर्म वन में आने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कर आएंगे तो बेसिकली आज हमारा साइंस का चैप्टर फर्स्ट है जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड तो इस चैप्टर में जो कि हमारा कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है तो इसमें हम बुक्स को कवर करेंगे इसके साथ साथ जो भी और भी अदर पब्लिकेशन है लाइक प्राइवेट पब्लिकेशन है उनको भी कवर करेंगे लाइक एंड अदर बुक्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है ओवरव्यू सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज सेकंड वन बैलेंस डाइट थर्ड वन डिफिशियंसी ऑफ डिजीज फोर्थ इस चैप्टर से रिलेटेड सारी क्विजेस को कवर करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज न्यूट्रिएंट। बेसिकली जो न्यूट्रिशन है और न्यूट्रिएंट है ये दो अलग अलग टर्म्स हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो इन टर्म्स के साथ कंफ्यूज रहते हैं उन्हें यही समझ नहीं आता कि न्यूट्रिय क्या है या न्यूट्रिशन क्या है चलो हम समझते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रिय so you we can say useful substance substance present in the food in the food is called nutrients nutrients jo be useful substance hai, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट कहते हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स वॉटर रफेज दीज आर द कंपोनेंट्स एंड फूड एंड और वी कैन से दीज आर एसेंशियल पार्ट ऑफ फूड दैट्स वाई वी कैन से इट इज न्यूट्रिय लेटमी कंक्लूड वन मोर टाइम वॉट इज न्यूट्रिय यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिय इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को क्या कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फूड लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स है फैट है दीज आर एज कंपोनेंट्स ऑफ द फूड नेक्स्ट वन है वो हमारा है न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एंड कन्वर्टिंग इन टू एनर्जी जो हम फूड को लेते हैं और इसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन तो अब आपको समझ में आया होगा बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारा क्या है ग्रुप ऑफ और यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड न्यूट्रिशन इट इज द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इन टू द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन तो अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड को पढ़ना है तो बेसिकली कंपोनेंट्स का मतलब क्या है आपको आसानी वर्ड्स में समझाने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाय बनाना है तो चाय में कौन कौन से इनग्रीडियंट्स यूज होंगे लाइक like आपका चाय में आपका टी लीप्स यूज होगा वॉटर यूज होगा मिल्क यूज होगा जिंजर यूज कर सकते हैं दीज आर कंपोनेंट ऑफ द टी सिमिलर लाइक दैट इन अवर फूड विस सब्सटेंस इज एसेंशियल लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन मिनरल्स वॉटर्स रफीज दीज ऑल एसेंशियल सब्सटेंस उनको थ्री किया जा सकता है एनर्जी गिवन फूड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोडक्टिव फूड तो बेसिकली जो आपके एनर्जी गिवन फूड हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो दो कंपोनेट हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इनसे हमें एनर्जी प्रोवाइड मिलती है इसीलिए हम इनको कहते हैं एनर्जी गिवन फूड एंड जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है इसीलिए हम को कहते हैं हैं क्या बॉडी बिल्डिंग फूड और जो प्रिवेंट प्रोटेक्टिव फूड्स यानी जो हमें कम कंपोनेंट्स में जरूरत होती कम क्वांटिटी में जरूरत होती है लेकिन ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से उनको कहते हैं विटामिन एंड मिनरल्स तो बेसिकली जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उनमें दो क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं एक माइक्रो एक मैक्रो माइक्रो मतलब कम जिनकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट हमें कम होती है like लाइक विटामिन क्योंकि वो हमें डिजीज से बचा के रखते हैं और मैक्रो जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक बनाना को कंज्यूम किया तो हमें एक बनाना से कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा मैक्रो कंपोनेंट्स है जबकि जो हमारा पोटेशियम मिलेगा बनाना से वो हमारा कैसा है मैक्रो कंपोनेंट कंपोनेंट्स है अब वन बाय वन करके सारे कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं सबसे पहले कर, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो क्या दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फूड आइटम्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स और कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड बेसिकली हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा क्या है एनर्जी गिवन फूड है तो हमें ये मिलेगा कहां से? Bread से, से, ब्रेड राइस पास्ता जो कि आपको बहुत फेवरेट होगा। मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स का पास्ता है वो बहुत फेवरेट फूड हो, फ्रूट होगा फ्रूट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको फ्रूट्स लाइक like, आपका बनाना इसके साथ साथ वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो यह आपका गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है अब इसका फंक्शन क्या है तो बेसिकली फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन है एनर्जी गवर्न एनर्जी प्रोवाइड कराने में और इसीलिए हम इसको फ्यूल ब्रेन एंड मसल्स ये हमारा इसीलिए जो क्योंकि हमें लॉट्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं ये हमारे लिए फ्यूल है किसके ब्रेन एंड मसल्स का क्योंकि जैसे हम गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं ना उतनी गाड़ियां चलती हैं जितनी हमारी बॉडी में एनर्जी होगी उतना ही हमारी बॉडी पर, फंक्शन परफॉर्म कर पाएगी तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं जब भी किसी भी कंपोनेंट्स को हमें पढ़ना है लाइक मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा तो हमें तीन चीजें समझनी हैं। सब thing, है सबसे पहले व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट सेकंड थिंग सोर्सेस क्या हैं? आपके आसपास से क्या क्या सोर्स मिलते हैं थर्ड थिंग्स इज फंक्शन तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे तो हमें तीन चीजें दिमाग में रखनी है डेफिनेशन सोर्सेस एंड फंक्शन बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आते हैं राइट डाउन एनी थ्री कंपो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट और राइट डाउन टू वेजिटेबल्स विथ विच है मच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को हेल्प कर सॉल्व करने में आसानी होगी अगर आपने सोर्सेस और उनके फंक्शंस पढ़ लिए क्योंकि एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस में भी आपसे क्वेश्चन ऐसे टीचर पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी आपकी हो जाएगी नेक्स्ट बढ़ते हैं फैट्स दे ऑल्सो प्रिवेंट प्रोवाइडेड एनर्जी इनफैक्ट दे गिवस एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट यानी फैट भी है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट से डबल मीन अगर जितना ज्यादा हम फैट कंज्यूम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा लेकिन आपको ध्यान रखना होगा फैट्स भी दो तरीके के होते हैं गुड फैट एंड बैड फैट तो गुड फैट है वो हमारा जैसे बटर से मिलता है नट्स से मिलते हैं सीड से मिलते हैं जो कि हमारा फैटी फिश है फिश ऑयल है उनसे मिलते हैं तो बेसिकली वो क्या है वो गुड सोर्स है वो गुड सोर्स ऑफ फैट है तो आपको इसी तरीके के सोर्सेस पर रिलायबल होना चाहिए ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो फंक्शन क्या है सपोर्ट सेल्स ग्रोथ प्रो प्रोटेक्ट ऑर्गन्स बेसिकली ये हमारे ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं इसेंशियल फॉर ऑप्टेनिंग ऑप्शन सम विटामिन जो हमारे जो फैट्स होते हैं जैसे कि मान लीजिएगा कुछ कंज्यूम उसमें विटामिन भी होते हैं तो ये हमारे लिए इनके क्या हो गए फंक्शन होगा किसका फैट का आई होप आपको ध्यान रखना है तीन चीजें डेफिनेशन तो डेफिनेशन बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि वॉट इज फैट फैट इज एनर्जी गिवन फूड एंड फैट गिव्स ट्वाइस एनर्जी एज द कार्बोहाइड्रेट देन कार्बोहाइड्रेट तो फिर हम सेकेंड सोर्सेस की बात कर सकते हैं जैसे बटर ऑयल नट्स ये क्या हो गए सारे ये सारे हमारे हो गए सोर्सेस अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में प्रोटीन्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग ऑफ द फूड जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्रोटेक्टिव फूड विटामिन प्रोटेक्टिव फूड्स इसके साथ साथ बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड एनर्जी गिवन फूड तो जो आप देख पा रहे हो कि जो आपका प्रोटीन्स है वो किसके अंडर कंसिडर आ रहा है वो आपका आ रहा है बॉडी बिल्डिंग फूड बेसिकली तो प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं तो समझते हैं दे हेल्प इन बिल्ड बिल्डिंग एंड रिपेयर सेल्स तो ये हमारी बॉडी की सेल्स को बनाने में और उनको रिपेयर करने में हेल्प करती हैं। द फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडिंग फूड बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो भी आपके फूड्स हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स है वो सारे क्या हैं उनको क्या कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फीड बहुत से आपके बड़े भाई जिम्स वगैरह जाते होंगे तो वो प्रोटीन्स लेते हैं आफ्टर जिम या प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के तौर पर तो वो क्या है उसके अंदर हमारी प्रोटीन्स होती है जो उनकी बॉडी की मसल्स को बिल्ड करने का काम करती हैं तो इनके सोर्सेस क्या है जैसे कि मीट फिश एग वीन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं वो गुड सोर्स हैं लाइक पल्सेस पल्सेस भी क्या है प्रोटीन्स के गुड सोर्स हैं इसी तरीके से कुछ वीन्स की बात कर लें लाइक like, किडनी uh, ये भी क्या है इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन्स होते हैं तो फंक्शन क्या होता है बिल्ड्स एंड रिपेयर्स ऑफ द बॉडी टिश्यू तो ये हमारी बॉडी के टिश्यू को बिल्ड करते हैं और रिपेयर करते हैं और ये इसके साथ साथ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी क्या है हेल्पफुल है नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि हमारा सबसे इसेंशियल पार्ट आता है विटामिन विटामिन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज दैट्स व्हाई वी कॉल्ड विटामिन इज ए प्रोटेक्टिव फूड दे आल्सो हेल्प अस टू कीप अवर बोन्स टीथ एंड गम्स एंड आईज हेल्दी इट कंटेंट्स विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड और जो भी इसीलिए जो भी फूड है जिनमें विटामिन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड और ये हमारे दांत हड्डी और आइज के लिए भी क्या होते हैं हेल्पफुल होते हैं तो अब जो आपका स्लाइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्यों क्योंकि यहां से क्वेश्चन है भर भर के आते हैं तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए तो आपको दो चीजें याद रखनी है सोर्सेस विटामिन ए के सोर्स क्या है और इनका फंक्शन क्या है क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले ही हैं जैसे कि आपके कैरेट पपाया फिश ऑयल मैंगो ये क्या है विटामिन ए के सोर्सेस हैं और इनका फंक्शन क्या है ये हमारी आईज़ और स्किन को हेल्दी रखते हैं तो क्या है? याद रखना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए इट्स हेल्प्स अवर आईज हेल्दी सेकंड फंक् सोर्सेस ऑफ कैरेट पपाया फिश ऑयल एंड मैंगो ये क्या है हमारे सोर्सेस सिमिलर लाइक विटामिन बी ये क्या होते हैं होल सीरियल्स यानी जितनी भी दालें हैं उनमें एग्स मीट एंड मिल्क में विटामिन बी होता है इसके साथ साथ ये हमें क्या करते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस जो हमारी नर्व्स हैं जो नर्वस सिस्टम है उसके फंक्शन को भी इंप्रूव करने का काम करता है तो आप देखोगे बहुत सारे टाइप्स की बी बी हो, होती है आप इनको देखोगे बी वन बी टू बी थ्री वो अलग अलग टाइप्स की होती है लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी आपको जो फोकस करना चाहिए वो ओनली विटामिन बी के एक जर्नल फंक्शन के तौर पर पढ़ना चाहिए विटामिन बी बी टू बी थ्री बी ट्वेल्व तक होते हैं उन पर अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट वन है विटामिन सी ये सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं जितने की खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें होता है जैसे आंवला हो गया लेमन हो गया ऑरेंज इनमें क्या होता है गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी होते हैं और ये हमारे किसके लिए टीथ एंड जो हमारे दांत और गम्स के लिए क्या होते हैं हेल्दी होते हैं इसी तरीके से विटामिन डी ये किसमें होते हैं पनीर फिश लिवर ऑयल एग यॉक सनलाइट और मोस्ट ऑफ द आपको जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो आपके विटामिन डी होता है वो सनलाइट में जो कि नेचुरली मिल जाता है और एग्स में इसके साथ साथ आपको याद रखना इसका फंक्शन क्या है ये आपकी हड्डियां और दांतों को मजबूत रखने का काम करते हैं तो जिनको भी लगता है उनकी हड्डियां कमजोर है उनको जरूर विटामिन डी कंज्यूम करना चाहिए विटामिन ई पियर्स नट्स एंड एग तो जो हमारी जितने भी पियर्स हैं उनमें विटामिन ई e होते हैं एग्स में होते हैं और नट्स में और ये आपकी स्किन पर क्या लाते हैं ग्लो तो बेसिकली विटामिन ई आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने आसपास घरों में विटामिन ई e के सीरम लगाते हैं तो फिर विटामिन ई e के कैप्सूल स्किन पर लगाते हैं सो so दैट उनकी स्किन क्या हो ग्लो उससे बेटर है कि आप क्या सोर्सेस को कंज्यूम करें नट्स को कंज्यूम करें एग्स को कंज्यूम करें जिससे क्या होगा आपकी स्किन पर नेचुरली ग्लो आएगा ओके तो बहुत सारे लोग जो भी रहे हैं कि उनकी स्किन कैसे ग्लो हो उनके लिए एक अच्छा सोर्सेस मैंने बता दिया है कि उनको बहुत अच्छे अमाउंट में नट्स कंज्यूम करना चाहिए उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं विटामिन के स्पेनिच कैबेज कॉर्लीफ्लावर इन सारे सोर्सेस में हमारे विटामिन के होते हैं और ये क्या करते हैं ब्लड की क्लोटिंग करने में हेल्प करते हैं अब ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करने का मतलब क्या है बेसिकली अगर कहीं भी हमारी चोट लग जाती है तो वहां ब्लड का क्लॉटिंग होना जरूरी है अदरवाइज ब्लड क्या है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता चला जाएगा उस क्लॉटिंग से बचने के, उस, जो क्लोटिंग करने के लिए खून बाहर ना निकले इसके लिए विटामिन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं जो हमारे मिनरल्स जिस तरीके से हमारे विटामिन भी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और की कैटेगरी में आते हैं मिनरल्स भी क्या है हमारी बॉडी को क्या करते हैं रिक्वायरमेंट होते हैं लेकिन हमारी बॉडी को बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर फॉर द बॉडी वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट दे आर एसेंसिव फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ अवर बॉडी फूड आइटम्स कंटेन मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड जो भी फूड जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं essential है, जरूरी है तो इन जो भी फूड आइटम्स मिनरल्स को अपने अंदर रखते हैं उन सारे जो फूड आइटम्स को क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं तो कौन कौन से मिनरल्स हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन यहां हम जर्नल मिनरल्स पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है सबसे पहले मिनरल्स को हम पढ़ते हैं जो कि हमारा है आयरन जो कि किस इसका फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में तो हीमोग्लोबिन क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा तो जो हमारी बॉडी में रेड पिगमेंट होता है यानी ब्लड में उसे क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड को कैरी करने का काम करता है पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को कैरी करके लेके जाने का काम करता है वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन और इसके फॉर्मेशन में होता है तो जिन लोगों की बॉडी में आयरन की कमी है वो स्पेनिस को कंज्यूम करें जैगरी को कंज्यूम करें एंड बनाना नेक्स्ट वन है कैल्शियम कैल्शियम के लिए आप कंज्यूम कर सकते हो एग्स मिल्क चीज एंड मीट और ये हमारी कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ को हेल्दी रखने का काम करते हैं इसके साथ है हमारा आयोडीन आयोडीन है वो हमारा आयोडीन जो हमारे ये प्रिवेंट करता है ग्वेटर एक डिजीज होती है बेसिकली जो कि आयरन की डिफिशियंसी की, की वजह से हो जाती है गले में स्वेलिंग आ जाती है तो इस डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए हमें आयोडीन को कंज्यूम करना चाहिए जो कि हमें मिलता है सॉल्ट से फिश से एंड सी फूड से जो आयोडीन सॉल्ट आता है आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा आयोडीन नमक टाटा नमक देश का सबसे विश्वसनीय नमक आयोडीन नमक का मतलब क्या है इसमें आयोडीन कंपोनेंट से एड होता है जो कि हमें ग्वाइटर जैसी डिजीज से प्रिवेंट करके रहता है बेसिकली हमें बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करना होता है अगर आप वन और टू टीस्पून सॉल्ट इन ए डे कंज्यूम करते हो तो आपको आयोडीन की पूरी फुलफिलमेंट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि कल से घर जाके नमक को खाना शुरू कर दें कि सर मेरे अंदर आयोडीन की कमी ना हो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर आप वन और टूटी स्पून सॉल्ट को वन डे में कंज्यूम करते हैं जो कि हम करी लेते हैं अलग अलग घर पे अलग अलग फूड्स बनते हैं डिशेज बनते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी में जाता है तो अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है उन्हीं लोगों को अलग से लेने की जरूरत पड़ती है जिनकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी होती है नेक्स्ट वन है वो हमारा फॉस्फोरस है जो कि चीज मिल्क एंड नट्स एंड रागी से मिलता है और इसका फंक्शन क्या है ये हमारे दांत और वो को क्या करता है मजबूत करता है तो बेसिकली आपको फोर जो मिनरल्स <coughs> हैं जो आपको फोर मिनरल्स हैं उनको ध्यान रखना है फर्स्ट आयरन सेकंड कैल्शियम थर्ड वन आयोडीन एंड फोर्थ वन इज फॉस्फोरस इन फोर कंपोनेंट्स को अगर आपने समझ लिया इनके सोर्सेस को समझ लिए इनके फंक्शंस को समझ लिए तो आप ध्यान रखिएगा टू और थ्री मार्क्स आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में आपके यूनिट टर्म वन में आपके या यूनिट टेस्ट में भर भर के क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे बढ़ते हैं रफेज फॉर प्रॉपर डाइजेशन द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड वी ईट इज कॉल्ड रफेज वेजिटेबल्स लाइक कैबेज कैरेट स्पेनिश फ्रूट्स लाइक एप्पल्स ऑरेंज पीज होरगेम राइस सच एज सोर्सेस ऑफ फाइबर रफेज है जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है जैसे मान लीजिएगा मैंने एक कैरेट को खाया तो कैरेट को कंज्यूम किया तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो डाइजेस्ट हो जाएंगे वो तो हमारी बॉडी को मिल जाएंगे लेकिन जो फूड बच गया है वो वो भी जरूरत है क्यों क्योंकि ये हमारे जो बॉडी मूवमेंट है वॉबल मूवमेंट है

फूड टू पास डाउन द एलिमेंट्री कैनाल प्रॉपरली तो यह क्या करता है बॉबिल मूवमेंट मतलब जो भी हमारा फूड डायजेस्ट हो चुका है डायजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपल सा वर्ड में समझा दें जो भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमें रफिज की जरूरत होती है जो भी डायजेस्ट हो गया वो तो हमारी बॉडी के लिए मिलेगा ही तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा उनको कॉन्स्टिपेशन से जूझना पड़ता है मीन कॉन्स्टिपेशन क्या है कई लोगों का पेट साफ नहीं होता तो उन लोगों को ऐसे फूड को जरूर कंज्यूम करना चाहिए जिनके अंदर रफेज होता है है नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको पता ही है कि वॉटर हमारी बॉडी के लिए कितना एसेंशियल है ये क्या 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 फंक्शन है समझते हैं वॉटर इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिय बॉडी जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिय हैं उनको ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करते हैं जैसे कि मान लीजिएगा आपको अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आपको किसी ना किसी एक मीडियम की जरूरत होगी तो आप कौन सा मीडियम यूज करेंगे टेम्पो से जा सकते हैं या फिर हो सकता है आपकी बाइक हो बाइक से जा सकते हैं हो सकता है आपके खुद के पास पर्सनल कार हो उससे जा सकते हैं तो ये क्या है ट्रांसपोर्ट का एक मीडियम है इसी तरीके से हमारी जो बॉडी में जो न्यूट्रिय बन गए हैं उनको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा वॉटर सेकेंड बन वॉटर हेल्प टू मेंटेन ए कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर यानी जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का काम करता है आप देखते हैं गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है लेकिन आपने पानी पिया आपकी बॉडी से स्वेट बाहर निकला तो इसने क्या किया स्वेट ने आपकी बॉडी को क्या किया टेम्परेचर को रेगुलेट किया तो वो बेसिकली फंक्शन हो रहा है वॉटर का नेक्स्ट है वॉटर ऑल्सो हेल्प टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ अवर बॉडी फ्रॉम द यूरिन एंड स्वेट जो भी हमारी बॉडी से अनवांटेड वेस्ट है या फिर जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंस है लाइक like यूरिन और यूरिया यूरिया जो हमारी बॉडी में हार्मफुल है जो कि डाइजेशन की ड्यूरेशन बनता है तो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे मेन जो चीज है वो अब हमारा है डिसीजीज कॉजेस और डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट यानी कम न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं उनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले है हमारा विटामिन ए विटामिन ए अगर विटामिन ए को कम कंज्यूम किया तो आपको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है जैसे कुछ लोगों को रात होते ही दिखना कम हो जाता है तो इसका सिम्टम्स क्या होता है इनेबल टू सी इनेबल इनेबिलिटी ऑफ सी इन डिम लाइट इन डिम लाइट तो जिन लोगों को रात में कम दिखना शुरू हो जाता है बेसिकली ऐसे लोगों को क्या लेना चाहिए विटामिन ए और विटामिन ए का आपको पता ही है कहा अच्छा सोर्स होता है कैरेट इसी के साथ पपाया फेस ऑयल मैंगो ये क्या है विटामिन ए के गुड सोर्स हैं तो आपको अब ध्यान रखना होगा कि विटामिन ए के सोर्सेस क्या हैं और विटामिन ए को ना कंज्यूम करने से क्या होगा नाइट ब्लाइंडनेस इससे क्या होगा आपकी आई साइड कमजोर हो जाएगी और रात में या डिम लाइट में आपको देखना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा नेक्स्ट है वो हमारा है विटामिन बी विटामिन बी विटामिन बी से होता है बेरी बेरी आप याद भी रख पाएंगे क्योंकि बी फोर बेरी बेरी बी फोर बेरी बेरी तो इससे क्या होता है वीक मसल्स हो जाते हैं क्या हो जाते हैं वीक मसल्स हो जाते हैं तो वीक मसल्स हैं तो ऐसे सोर्सेस कंज्यूम करो जिसमें विटामिन बी भर भर के हो नेक्स्ट है वो हमारा है विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी को कम कंज्यूम करने से क्या होता है स्कर्वी इस करवी स्वी तो बेसिकली स्कर्वी इसका जो हमारा स्कर्वी है इसका क्या हमारा सिम्टम्स है स्कर्वी का जो बेसिकली सिम्टम्स है वो हमारे दांतों से या गम्स मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं ब्लीडिंग गम्स नेक्स्ट है वो हमारा है विटामिन डी विटामिन डी इससे क्या होता है ये हमारा रिकेट्स हो जाता है रिकेट्स और रिकेट्स से क्या होता है कि जो हमारी हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं कमजोर हो जाती हैं तो ये क्या हो जाएगा बेंडिंग ऑफ बोन्स बेंडिंग ऑफ बोन्स तो बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा उनकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से बेंड होना शुरू हो जाती हैं कम मुड़ना शुरू हो जाती हैं स्ट्रक्चर सही नहीं होता है तो वो किसकी वजह से होता है विटामिन डी की वजह से अब हम अगला कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कि आयरन की कमी से हो जाता है हमें क्या एनीमिया क्या हो जाता है एनीमिया तो बेसिकली एनीमिया जो डिजीज है उससे क्या होता है वो हमारा जो बॉडी में टायर्डनेस होने थकान होने शुरू हो जाती है जो टायर्डनेस है टायर्डनेस है उस उसका इशू होना शुरू हो जाता है टायर्डनेस का थकान नेक्स्ट वन है वो हमारा आयरन सॉरी आयरन मेंशन हो गया नेक्स्ट वन है जो हमारा वो है हमारा आयोडीन 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 की कमी से जो होने वाली डिजीज है वो हमारा गोइटर है गोइटर तो बेसिकली ग्वाइटर से क्या होता है ग्वाइटर से हो डिज का जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो होता है हमारा थायराइड थायराइड में में। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो गले में स्वेलिंग है वो स्टार्ट हो जा जाता है तो ये हमारा करता है इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड गैंडमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ग्लैंड लास्ट है जो कि हमारा क्या है वो हमारा है कैल्शियम कैल्शियम की कमी से जो हमारे वीक बोन्स और टीथ हो जाते हैं वीक बोन्स एंड टीथ तो इससे क्या होता है कि जो हमारे टीथ हैं वो डिके शुरू हो जाते हैं बोन और जो हमारे बोन हैं और जो हमारे टीथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं डिके ऑफ बोन्स एंड टीथ तो बेसिकली आपको ये सोर्स को ध्यान रखना है कि विटामिन ए से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी से क्या होता है बेरी बेरी विटामिन सी से स्कर्वी विटामिन डी से रिकेट्स विटामिन डी से एनीमिया ब्लड की कमी थकान, थकान, ट्राइडनेस, आपको चक्कर आने लगना, थकान हो जाना, हो जाना। जो हमारा आयोडीन है, है, है? थायराइड ग्लैंड है जो कि हमारी गले में होती है उसकी ग्रोथ हो जाती है अगला है कैल्शियम जिससे क्या होता है हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं तो अभी आपने देखा कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कम बहुत सारे टॉपिक्स को हैं वो कवर किए हैं लेकिन फिर भी कुछ टर्म्स और डेफिनेशन रह गए हैं तो उनको हम एक बार कवर कर लेते हैं यहां सबसे पहले जो हमारा टर्म्स जो स्किप हो गया है वो हमारा है बैलेंस डाइट क्या है फर्स्ट वन है क्या बैलेंस डाइट बैलेंस बैलेंस्ड डाइट तो बेसिकली बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपको ऐसे फूड को कंज्यूम करना चाहिए या ऐसी डाइट जिसमें ऑल टाइप्स के कंपोनेंट्स हो सभी तरीके के कंपोनेंट्स हो उसको क्या कहेंगे बैलेंस डाइट तो हम कह सकते हैं ए डाइट दैट कंटेंट्स ऑल द न्यूट्रिएंट ऑल द न्यूट्रिएंट्स वॉटर एंड र फेज इन करेक्ट प्रपोर्शन इन करेक्ट प्रपोर्शन इन करेक्ट प्रपोर्शन यानी ऐसे फूड जो हमारी बॉडी में हर एक करेक्ट प्रपोर्शन में दैट्स मीन हमारी बॉडी में फैट्स भी होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए विटामिन भी होने चाहिए तो जिससे क्या होगा हमें सारी चीजें मिल जाएंगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताएं मोस्ट ऑफ द इंडियंस फैमिली में हम लोग दाल कंज्यूम करते हैं सब्जी कंज्यूम करते हैं सैलेड लेते हैं इसके साथ साथ रायता लेते हैं और फिर आप देखोगे कि दाल से हमें विटामिन मिल रही है राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और जो घी है उससे हमें फैट मिल रहा है देख रहे हो ना आपको सारी चीजें मिल रही है ना और जैसे मैंने बताया कि जैसे कि सैलेड सैलेड से हमें डायट्री फाइबर मिल रहा है तो ये सारी चीजों का एक कंपोनेंट्स इन फिक्स अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ये हमारा क्या है बैलेंस डाइट है आया समझ में या नहीं आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब एक टर्म है डिफिशियंसी डिजीज जो कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था ये ऐसी डिजीज हैं जिसकी वजह से जो कम न्यूट्रिएंट की लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी से जो डिजीज हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं डिफिशियंस डिजीज तो यही तो हमने पढ़ा था कि जो विटामिन या मिनरल्स या सब्सटेंस की कमी से होती है डिजीज उन्हें क्या कहते हैं डिफिशियंस ऑफ डिजीज आई होप अब आपको यहां समझ में आया होगा कि आपका मैंने सारा टॉपिक्स कवर कर लिया है अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक के जो भी एमसीक्यूज हैं और जो भी क्विज हैं उनकी तरफ तो आई होप आपको सारी चीजें रिकॉल कर ली होंगी और क्विज क्विज का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विच तो है जो कि हमारी ब्लड की क्लॉटिंग को करने में हेल्प करता है तो विटामिन ए, बी ट्वेल्व विटामिन सी एंड विटामिन के तो करेक्ट आंसर है विटामिन के जो विटामिन के है ये हमारी बॉडी में क्या करने का काम करता है ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का, का काम करने का करता है आई होप बहुत सारे बच्चों को यह आंसर आता होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल्स इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है तो आपको पता है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट कैल्शियम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्विज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ए सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा प्रोटीन सोर्स का नहीं कौन सा सोर्स है वो प्रोटीन का नहीं है फिश फिशेंस राइज एग तो आपको पता है कि फिश में तो प्रोटीन्स होती हैं ले, हैं भी होती है। राइज यही नहीं है तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी क्योंकि यहां नॉट है आपको नॉट का भी ध्यान रखना है बहुत सारे बच्चे हैं वो एग्जाम में यही गलती कर देते हैं कि वो नॉट का यूज नहीं करते तो बेसिकली आज के चैप्टर में हमने सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की है तो अगर हम पूरे चैप्टर को एक समराइज करें तो आपके इस चैप्टर में हमने बात की है न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट की तो बेसिकली न्यूट्रिएंट है कंपोनेंट्स ऑफ द फूड है और न्यूट्रिशन है उसे क्या कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इन द एनर्जी जो हम फूड को कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी मिलती है उसे क्या कहते हैं न्यूट्रिशन और न्यूट्रिय कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट फैट मिनरल्स ये सारे क्या है न्यूट्रिय उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे फूड में फूड आइटम्स हैं उनमें क्या क्या जो हमारे उनको किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि फूड को हम बेसिकली थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं बॉडी गिवन एनर्जी गिवन फूड बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटेक्टिव फूड तो एनर्जी गिवन फूड है वो टू है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स और जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो हमारे प्रोटीन्स हैं लेकिन प्रोटेक्टिव फूड्स हैं वो विटामिन मिनरल्स हैं तो हमने एक और क्लासिफिकेशन किया था जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो माइक्रो जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं जैसे कि हमारा एंड मिनरल्स फिर उसके बाद माइक्रो जो जो बहुत चाहिए, जो बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा कम चाहिए मैक्रो क्वांटिटी में चाहिए लाइक like हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड बॉडी बिल्डिंग फूड इसके साथ साथ हमने सोर्स ऑफ विटामिन कार्बोहाइड्रेट फैट्स इन सारे सोर्सेस के बारे में चर्चा की अगर आपका अभी भी कोई टॉपिक्स रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें अपने डाउट्स हम उनको क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आई होप आपको ये क्लास पसंद आया है अगर आप अभी यहां तक हैं तो आप समझ लीजिएगा आप अपने आप को अप्रिसिएट कीजिएगा क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो को कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी एक वैल्यूएबल नॉलेज i hope you enjoy this class thanks for watching